आप देख रहे हैं केजीएन मिथिला न्यूज। मैं आज आपको दिखा रहा हूं बेनीपट्टी प्रखंड का एक ऐसा गांव जिसका नाम है सोहड़ौल, जो कढ़ाड़ा पंचायत में पड़ता है। यहां बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह रूप ले रखी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। स्थिति आप देख करके खुद ही आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी दयनीय है यहाँ। इसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दे रखा है। अब तक इस गाँव में नाव की व्यवस्था भी नहीं हुई है। लोग जो है सो जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चारों तरफ से पानी से घिर गया है, ये देखा जाए किस तरह रोड टूट गया। सीओ साहब कहते हैं कि सोहल में बाढ़ नहीं है, ये देखिए किस तरह पानी है, किस तरह लोग घिरा हुआ है, ये देखा जाए किस तरह है, देखा जाए। सीओ साहबा कहती हैं कुछ बाढ़ नहीं है, देखा जाए क्या नज़ारा है। ये वकील राम का घर है, देखा जाए इसके घर में भी पानी है, इसके घर में भी ये पानी है। ये राम दुलार राम का घर है, देखिए गेट तक पहुंचा हुआ है पानी, घर खाली कर दिया है। यहाँ पर काफ़ी करंट चल रहा है। ये है राम दुलार राम टकला वाला, ये है राम दुलार राम, और ये घर है मोहम्मद मुकीम का। ये भी घर चारों तरफ से घिर गया है, घर में पानी नहीं गया है, अभी चारों तरफ से पानी है, देखा जाए घर के चारों तरफ पानी है। बीच में बेचारा रह रहे हैं बाल बच्चा के साथ। ये है विनोद राम, न इसको कोई पानी देने वाला जाए है और न यहाँ पर नाव का व्यवस्था है। नाव का भी व्यवस्था नहीं है कि इसको कोई जाके पानी भी देगा या कोई खाना दे देगा। घिरा हुआ है अकेले, देखा जाए देखिए किस तरह पानी चल रहा है यहाँ पर करेंट। आठ सात 2021 ये नवसृजित प्राथमिक विद्यालय सोहरौल उत्तरवाही टोल का है। अभी से ही पानी बढ़ने लगा है, यहाँ तक पहुँच गया है, ये देखिए। मैडम कह रही हैं कि सोहरौल में बाढ़ नहीं है, नाव का जरूरत नहीं है, ये देखिए। ये आज सुबह से पानी चढ़ गया है यहाँ, बल्कि पानी बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, पानी बढ़ रहा है। सोहरौल उत्तरवाही टोल का घर में पानी घुस गया नहीं हो, घर में पानी घुस गया सुनील राम के, यह दिखा रहे हैं, देखा जाए। या अगलो तो सके फोटो ए कथी नाम है तोड़ सके जी ये देखिए, यह है सुनील राम का घर, यह सुनील राम का घर है। देखिए घर में पानी, देखिए देखिए घर में पानी। हटो तो सुनील, देखिए घर में पानी है या नहीं, देखा जाए।
इसी में बरकत जात का घर होता, पानी ढुक गया होता तो बहुत व्यवस्था हो गया होता। यह है कि महादलित का घर है, महादलित जो भी बोलता है वो झूठ बोलता है, सीओ साहब का कहना है। देखिए पहाड़ में पानी देखा जाए, अगल बगल सत्तर पानी। ये घर है कमेसर राम का, कमेसर राम का ये घर है। ये घर में भी पानी है, ये घर में भी पानी है उस तरफ से। ये कमेसर राम का घर है। देखिए इस घर में गेट तक पानी पहुंच गया हुआ है। पीछा पीछा अंगना में घर में घुस गए हो, ये अंगना घर में घुस गए। ये देखिए ये कमेसर राम का घर है उत्तरबाई टोला सोहरौल। देखिए छोटा छोटा बच्चा को लेकर किस तरह ये लोग रह रहा है। ऊंचा जात का घर होता, पहुंच वाले का घर होता तब प्रशासन पूरा जुट गया होता और नाव का मुहैया भी हो गया होता है। क्या यह महादलित का घर है? महादलित उजड़ जाए भस जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये सीओ साहब का कहना है। देखा जाए किस तरह ये लोग रह रहा है। ये देखिए इस तरफ से इसका घर भी गिर गया है। देखा जाए जैसा कि आपने देखा अभी कि करहाड़ा पंचायत के तमाम वार्डों में तमाम गांवों में पानी पूरी तौर पे भरा हुआ है और स्थानीय प्रशासन का ये दावा है कि इस गांव में कहीं पे बाढ़ नहीं है। जबकि आपने देखा कि बाढ़ किस तरीके से किस हद तक पहुंचा हुआ है, लोगों के घर में घुसा हुआ है, लोग त्राहिमाम हैं, नदियां उफान पे हैं और प्रशासन मानने को